बात करेंगे मुंबई से सटे नवी मुंबई के एरोली इलाके की, जहां एक बंद दुकान की शटर तोड़कर लुटेरों ने दुकान के भीतर रखी बड़ी मात्रा में मोबाइल चुरा ली। चुराए गए मोबाइल फोन की कीमत तकरीबन 1,49,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की और इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया, जिसने पुलिस द्वारा की गई कड़ाई से पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस ने बड़ी संख्या में चुराए गए मोबाइल फोन कथित चोर से बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि नवी मुंबई के एरोली स्थित सुधांशु प्राइड इमारत में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस मोबाइल की दुकान में यह लूटपाट की गई, उस दुकान का नाम चामुंडा बताया जा रहा है। डीसीपी पंकज दहाने की यदि माने तो कथित आरोपी ने 5 ठिकानों पर चोरी करने का गुनाह कबूल किया है, जिससे कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में पुलिस को बड़ी मदद मिलेगी। रबाले पुलिस द्वारा की गई ये कार्रवाई एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो मोबाइल की चोरी हुई थी, उसे पुलिस ने रिकवर कर लिया है और साथ ही साथ जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका पिछला इतिहास जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाला रहा है। कथित आरोपी ने पूछताछ के दौरान 5-5 गुनाहों की कबूली पुलिस के समक्ष दी और अब प्रलंबित पड़े मामलों पर से भी पर्दा उठ जाएगा, ये दावा नवी मुंबई पुलिस का है। रबाड़े पुलिस स्टेशन के जो एरिया में से चामुंडा मोबाइल शॉपी है, वहाँ से लगभग 11 मार्च को शॉपी में से 63 मोबाइल चोरी गए थे। इस ऑफेंस को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होने के बाद पुलिस स्टेशन की डीपी टीम एपीआई पड़तरे और उनकी टीम ने इस ऑफेंस को डिटेक्ट किया है और उसे लगभग 51 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस दौरे में आरोपी को लगभग 17 मार्च तक